ठीक तो हो ना? हाँ, लगता तो है। हाँ, ठीक क्या? मजा आ गया। किसी फिल्म की सीन की तरह। गाड़ी घुमा दो ट्रेवर। माफ करना डेलिस, हमारी बस अटक गई। अटक गई? क्या? डेलिस, मैं क्या करता? गाड़ी के सामने कोई जानवर आ गया था और अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाय, अब हमारा क्या होगा? शांत रहो डेलिस, मैं कोशिश करता हूँ। अरे, नेटवर्क तो है ही नहीं। मतलब हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा? अब हम लोग क्या करेंगे? हो सकता है जो जानवर हमारे गाड़ी के सामने आया था वही यहाँ का खूंखार जानवर हो। ये मजाक का वक्त नहीं है नॉर्मन। डरो मत जेम्स, कोई ना कोई तो हमें ढूंढने जरूर आएगा। ओह, पर ब्रॉनविन, मुझे इसमें कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। पर मैं क्या करूं सैम, ये लायन पता नहीं क्यों हमेशा भाग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्लियां कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती हैं। बेचारा इस वक्त बाहर कहीं दुनिया से लड़ रहा होगा। देखो, उसकी जैसे कोई खबर मिलती है मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे भूख लगते ही वो घर लौट आएगी। हाँ, ये बात तुमने ठीक कही सैम। खाने से याद आया, मैं बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर लूँ। वो किसी भी वक्त अपने पिकनिक से वापस आ रहे होंगे। कोई फायदा नहीं, ज्यादा कोशिश की तो बैटरी डाउन हो जाएगी। मुझे घर जाना है। और अगर कोई भी नहीं आया तो क्या करेंगे? उम्र भर यही इंतजार करेंगे? ओह, मुझे यहाँ नहीं रुकना। अब मेरे पास एक ही तरीका है, रात होने से पहले मैं मदद मांगने जाऊंगा। नहीं ट्रेवर, तुम अकेले नहीं जा सकते। अगर तुम खो गए तो? या फिर खूंखार जानवर तुम्हें खा गया तो? मेरे गाइड बुक में लिखा है कि खराब हुई गाड़ी को रास्ते पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, साथ में रहकर मदद के लिए इंतजार करना चाहिए। मुझे पता नहीं मदद कब आएगी, पर मुझे जोर से भूख लगी है। लायन का आता पता नहीं, और अब तो जेम्स और सारा भी गायब है। कहाँ रह गए सब के सब? अच्छा, एक कौवा था। ओह, हेलो, कोई है वहाँ? हेलो, कोई है वहाँ? सुनसान जगह पर कौन होगा? मेरे पैर दलदल में फंस गए, अब मैं क्या करूं? बचाओ, बचाओ! लायन पानी से भरे बेसमेंट में फंसा हुआ है और उसके साथ माइक भी है। पहले मुझे यहाँ से निकालो, मैं जाकर उसे वहाँ से निकालूंगा। पर ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा। बेनी सही कह रही है, मैं भी नहीं खोल पाऊंगा, मुझे ये कुल्हाड़ी यूज करनी पड़ेगी। नहीं, रहने दो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तुम लोग माइक के पास जाओ, पब्लिक की सेवा करना हमारा धर्म है। ठीक है, जैसा आप कहें सर। चलो टीम, हमें जाना होगा। गुड लक। माइक ठीक तो होगा ना, वरना आज मेरे साथ डुएट कौन गाएगा? घबराओ मत एल्विस, वो बिल्कुल ठीक ही होगा। मेरे साथ आओ। अच्छा, तो माइक यहाँ फंसा हुआ है। ओके माइक, दरवाजे से दूर हट जाओ, मैं अभी दरवाजा कुल्हाड़ी से तोड़ने जा रहा हूँ। तुम आ गए सैम, तुम इसके अंदर बैठ जाओ, तुम सुरक्षित रहोगे। पहले पानी बंद करना चाहिए ना। और मैं पंप लेके आता हूँ। एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज, सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि माइक सुरक्षित है या नहीं। माइक, तुम दरवाजे से दूर हटे या नहीं? हाँ सैम। माइक, मुझे अपना हाथ दो। शाबाश सैम, मेरा लायन एकदम सही सलामत है। तुमने बिल्कुल शांति से काम किया और एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस किया।
काश मैं भी ऐसा करता, कम से कम मैं इस झंझट में तो नहीं फंसता। कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, थैंक यू फायरमैन सैम। चलो माइक, जाकर परफॉर्म करते हैं अपना ड्यूएट। एक मिनट एल्विस, एक टाइम पे एक ही काम, याद है ना? ठीक है, मैं जाके पानी का कनेक्शन बंद कर देता हूँ। एल्विस चलो हम पंप लेकर आते हैं सारा पानी निकालने के लिए। और मैं जाता हूँ अलमारी में फंसी बूढ़ी मिसेस स्टील को निकालने। फिर हम सब इकट्ठे होंगे एल्विस और माइक का नया गाना सुनने के लिए। वेरी गुड। चप चप पानी गिरा, टिप टिप देखो पानी गिरा, चप चप देखो पानी गिरा, तो मजे लो खेलो वो पानी वाला गेम। देखो वो, देखो, मैं जानती हूँ यहाँ भूत है। एंडी फ्लड और नॉर्मन प्राइस, मुझे तुम पर ही शक था। मैंने कुछ नहीं किया, इसकी गलती है। छोटा सा मजाक ही तो था। तुम्हारे लिए मजाक होगा, पर डेलिस बिचारी तो बहुत डर गई थी। हाँ बिल्कुल, देखो मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। सॉरी, दरअसल हम आज रात की हैलोवीन पार्टी की तैयारी कर रहे थे। आप दोनों आएंगे ना वहाँ पर? बिल्कुल नहीं मैंडी, मुझे हैलोवीन से नफरत है, मुझे डर लगता है। उसी में तो मजा आता है मैम। पर मैं जरूर आऊंगा तुम दोनों पर नजर रखने के लिए। ग्रेट, हमने उसके लिए खास पंपकिन का लैंटर्न बनाया है, खाना पीना भी है और फिर बॉनफायर के पास डांस पार्टी। और आज का सबसे डरावना कौन कॉम्पिटिशन मैं ही जीतूंगा, देख लेना आप। अच्छा मैंडी, क्या मैं तुम्हारा ये टॉर्च और मांझा बोरो कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, पर तुम इसका करोगे क्या? तुम बस देखती जाओ मैंडी, मैं बता नहीं सकता। देखो आज के दिन सभी लोग अपने गार्डन में बॉनफायर लगाते हैं। मतलब जानबूझकर ही अपने घर में आग लगाते हैं सर? ऐसा कुछ नहीं है, सर्दी में आग के सामने बैठना अच्छा लगता है। गार्डन में पड़े सूखे पत्ते लकड़ियाँ सब आग जलाने के काम आती हैं। वैसे आज माइक फ्लड के घर पर हैलोवीन पार्टी है ना? अरे हाँ, मैंने आज के लिए मास्क भी बनाया है, पर मुझे नहीं लगता कि ये सब आपको पसंद होगा सर। कौन मैं? नो 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 नो, मेरी उम्र थोड़ी ना है पार्टी में जाने की, पर आज की पार्टी के लिए मेरे पास इन्विटेशन है। अभी तुम अपने काम पर ध्यान दो एल्विस, तुम इसी वक्त आग को बुझाओ। सॉरी। वहाँ टेबल के ऊपर रख दो मैंडी। ये देखो नॉर्मन, ये पंपकिन कितना अच्छा लग रहा है। नॉर्मन, मैं पॉन्ट पैंटी का भूत बोल रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम ही हो। वो मैं नहीं था, देखो पर्दे के पीछे भूत खड़ा है, इसलिए तो पर्दा हिल रहा है। पर्दे को तुम ही धागे से हिला रहे हो। देखो आज के कॉम्पिटिशन में तुम नहीं जीतने वाले, बेहतर होगा अभी हार मान लो। मैं हार मानूं? वो भी इतनी जल्दी? कभी नहीं। बीच समंदर में लोग फंसे हैं, एक और आया है, एक मुसीबत के साथ एक फ्री। नॉर्मन जलीस और चार्ली बीच समंदर में फंसे हुए हैं। पूरी बात तो सुनो, स्टेशन ऑफिसर स्टील फ्लूट के घर की छत पर फंसे हुए हैं। हाँ, लगता है वो पतंग उड़ाने की कोशिश में फंस गए होंगे। पेनी और मैं वीनस और नेपच्यून को लेकर समंदर किनारे जाएंगे, और एल्विस तुम जुपिटर को लेकर फ्लड के घर जाओ। ठीक है सर। वो रहे तीनों, जल्दी करो पेनी। मैं नॉर्मन की बोट को संभालता हूँ पेनी। मैं चार्ली की बोट को टो करूंगी। नॉर्मन, नीचे वाली रस्सी मुझे दो, मैं तुम्हारी बोट को चार्ली की बोट के साथ बांध दूंगा। ओके अंकल सैम। और मैं तुम्हारी बोट को नेपच्यून के साथ बांधूंगी। बस अब कुछ ही मिनटों में हम किनारे पर पहुँच जाएंगे। ओह,
मुझे जल्द से जल्द किनारे पर पहुंचना है। रिलैक्स सर, आप पलक झपकते ही नीचे होंगे। सर अपना हाथ दीजिए मुझे, संभल कर। आप ठीक तो है ना स्टेशन ऑफिसर स्टील? मुझे क्या होगा, ये तो मेरे साथ रोज ही होता है। मैं तो बस इस पतंग को टेस्ट कर रहा था। सर क्या मैं ये काइट आपके भतीजे को देकर आऊं? बिल्कुल नहीं, दरअसल ये मेरी तो है। उसमें गलत क्या है सर? देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी। नॉर्मन मैंने कहा था ना तुम्हें किसी बड़े के साथ ही बोट चलानी होगी। हाँ तो मॉम थी ना मेरे साथ। ओ कम ऑन नॉर्मन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि पेनी का क्या मतलब था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से सबको कितनी तकलीफ हुई। हमारी मदद करने के लिए थैंक यू अंकल चार्ली, और आप दोनों को भी। कोई बात नहीं नॉर्मन, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना ठीक है? आपका स्टीयरिंग ठीक हो जाने के बाद अपना बड़ा बोट मुझे चलाने दोगे ना अंकल चार्ली? मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ सेफ ट्राई करना चाहिए, जैसे कि पतंग उड़ाना। अरे हाँ, वैसे भी पतंग उड़ाने में कोई खतरा नहीं है।